So internet is composed of hundreds of thousands of interconnected networks. तो बहुत सारे नेटवर्क को जब हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक साथ जोड़ देते हैं, तब इंटरनेट बनता है। ये तो हम समझ गए कि जब हम बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर देंगे तो इंटरनेट बनेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क को जानने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। A network is a group of connected communicating devices such as computers and printers. जब आप computers और printers को आपस में इस तरीके से attach कर देते हैं कि एक device से दूसरी device में आप signal को transmit कर पाएं और एक device दूसरे device से communicate कर पाए, जैसा कि इस diagram में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर सारे computers and laptops आपस में connected हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को सिग्नल ट्रांसमिट करे तो ये यहाँ पर पॉसिबल है। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क था। ऐसे कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हों और उनको आप जब कनेक्ट कर देते हैं तब एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं उनको आपने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब ऐसा करने से एक डिवाइस जो किसी एक नेटवर्क में है और वर्ल्ड के किसी एक पार्ट में है, वो दूसरी डिवाइस से जो किसी दूसरे पार्ट में है वर्ल्ड के और किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर है, आपस में कनेक्ट कर देता है और वो दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है जो कि बहुत सारे नेटवर्क्स का इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पर। तो अब आप समझ चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री में और जानेंगे कि इंटरनेट कैसे इवॉल्व हुआ। आपको पता होगा फर्स्ट कंप्यूटर जिसको हम ENIAC बोलते हैं वो फरवरी 14, 1946 को आया था। उसकी कुछ इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कंप्यूटर के आने के बाद भी कई सारे कंप्यूटर्स आए, लेकिन अभी तक कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पाया था। सारे ही कंप्यूटर्स इंडिविजुअली काम कर पा रहे थे। यदि हमें एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना पड़ता था तब हमको मैन्युअली एक कंप्यूटर से डेटा निकाल कर दूसरे कंप्यूटर में देना पड़ता था। अब ये प्रॉब्लम तब जाके ज़्यादा बड़ी हो जाती थी जब दो कंप्यूटर एक दूसरे से कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर होते थे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 1960 के आसपास US के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपने अंदर एक एजेंसी थी, उसको बोला कि कुछ ऐसा वे फाइंड करो ताकि एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाएं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेज पाएं। अब वो ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारे रिसर्चर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काम करते थे, जो यूनिवर्सिटीज काफी दूर दूर यूएस में स्थित थी। अब इन यूनिवर्सिटीज में जब रिसर्चर्स कुछ रिसर्च करते थे तो वही काम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी चल रहा होता था। अब एक यूनिवर्सिटी में यदि कुछ रिसर्च पेपर आ जाता था, कुछ फाइंड हो जाता था, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाहता था कि दूसरी यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च काम अब बंद हो जाए और कुछ नया काम स्टार्ट हो। ऐसा करने से उनका फंड जो कि वो रिसर्च काम में दे रहा था वो सेव होता और उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से भी यहाँ पर वो लोग बच जाते। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चाह रहा था कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो कि अर्पा कहलाती है वो कुछ ऐसा वे फाइंड करे ताकि दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके और एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सके, ताकि इंस्टेंटली एक
जगह यदि कुछ फाइंडिंग होती है तो दूसरी जगह उसको पता किया जा सके। अब चलते हैं हम 1969 में। 1969 में अर्पा ने, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, चार कंप्यूटर्स को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में थे, आपस में कनेक्ट कर लिया। यहां पर आप एक मैप देख सकते हैं, ये मैप यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इसका ये जो रेड सर्कल में आप पार्ट देख रहे हैं वो यहां पर आपको दिख रहा है। यहां पर चार यूनिवर्सिटीज हैं, ये SRI है जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये UC सेंटा बारबरा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सांता बारबरा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजेलिस है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ उताह है। यहाँ पर चार कंप्यूटर्स थे, इन चार कंप्यूटर्स को अर्पा ने कनेक्ट कर लिया था। इन चार कंप्यूटर्स को उसने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसने कुछ वायरिंग की यहाँ से यहाँ तक और इन सारे कंप्यूटर्स को यहाँ पर आपस में कनेक्ट कर लिया, जिसको उसने अर्पानेट नाम दिया, जो 1969 में आया था। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंस्टेंटली यदि कुछ रिसर्च होती है तो पेपर भेजा जा सकता था और पता किया जा सकता था कि एक कंप्यूटर, एक जगह, एक यूनिवर्सिटी में क्या रिसर्च हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटीज काफी दूर दूर थी, इस मैप में आप देख सकते हैं। तो यदि एक कंप्यूटर में कुछ रिसर्च हम देते थे तो वो दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसमिट हो जाती थी। अब 1971 में अर्पा ने कई और यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट किया और अपने नेटवर्क को और बड़ा कर लिया। तो यूनिवर्सिटीज इस पार्ट में आप देख सकते हैं यूएस के, और इस पार्ट में भी देख सकते हैं, तो ये काफी दूर दूर थी, जिसको यहाँ पर वायर्स डालकर अर्पा ने कनेक्ट किया, जिसको उसने अर्पा नेट बोला। और इस नेट का साइज, इस नेटवर्क का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी तक इसको इंटरनेट नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटरनेट दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक नेटवर्क था जिसको अर्पा नेट बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम बात करते हैं 1972 की, जो था बर्थ ऑफ इंटरनेट। आप अपनी स्क्रीन पर अब दो कंप्यूटर साइंटिस्ट की फोटो देख सकते हैं, एक का नाम है विंडसर, दूसरे का नाम है बॉब खान। ये दोनों ही अर्पानेट बनाने वाली टीम का पार्ट थे। अब ये एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका इन्होंने नाम रखा इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कैसे कनेक्ट किया जा सके इस पर खोज कर रहे थे। इनका मानना था कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है, यानी कि एक नेटवर्क में यदि एक कंप्यूटर है तो वो दूसरे नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो इन्होंने इसके लिए एक हार्डवेयर डिवाइस इवॉल्व की जिसको इन्होंने नाम दिया गेटवे। तो गेटवे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर पा रहा था, और इसमें इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया जिस प्रोटोकॉल का इन्होंने नाम दिया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आगे जाके TCP एंड IP में टूटा और बना TCP/IP प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल से दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया जा सका और इस तरीके से बर्थ हुआ इंटरनेट का। अब हम चलते हैं 1981 में और बात करते हैं CSNet की। CSNet भी अर्पानेट की तरह एक नेटवर्क था जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ इंटरनेट हिस्ट्री में। CSNet को नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बनाया था। आपको पता होगा कि अर्पानेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर बना था।
अब ऐसी यूनिवर्सिटीज जिसके पास डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ टाई अप नहीं था वो अर्पानेट को यूज नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में सीएसनेट आने से सारी यूनिवर्सिटीज जिसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ टाई अप नहीं था वो सीएसनेट के साथ जुड़ गई और सीएसनेट को यूज करने लगी। तो सीएसनेट के आने से अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाई और एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करने लगी। तो इस तरीके से इंटरनेट धीरे धीरे और बढ़ता गया। इसलिए सीएसनेट को इंटरनेट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बोलते हैं। धीरे धीरे इंटरनेट अब नॉर्मल लोगों तक भी पहुंचने लगा। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि अब अर्पानेट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए था उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना चाहिए, एक जो यूज होगा मिलिट्रीज के लिए, दूसरा जो सिविल पर्सन के लिए यूज होगा। तो इस तरीके से 1983 में अर्पानेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक को बोला जाने लगा MIL नेट यानी कि मिलिट्री नेट, दूसरा रहा अर्पानेट। अब हम चलते हैं 1986 में और बात करते हैं NSF नेट की। ये भी एक नेटवर्क था जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया। इसको अगेन नेशनल साइंस फाउंडेशन ने लाया। NSF का यहाँ पर मीनिंग नेशनल साइंस फाउंडेशन ही है। तो ये नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क था, ये CSNET के बाद आया। धीरे धीरे क्या हुआ कि नेटवर्क था जो उसकी स्पीड लोगों को कम लगने लगी, इसलिए नए नए नेटवर्क्स आते गए। NSF नेट आने से अब स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ पर NSF नेट 5 सुपर कंप्यूटर्स जो कि थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स थे उनको आपस में कनेक्ट किया गया और अब 1.544 Mbps की स्पीड को हासिल किया गया। इसके बाद 1990 में अर्पानेट रिटायर हो गया क्योंकि अर्पानेट काफ़ी पुराना हो चुका था और उसमें डेटा ट्रांसमिट करने की स्पीड काफ़ी स्लो थी। इसलिए ऑफिशियली अर्पानेट को NSF नेट से रिप्लेस कर दिया गया। अब हम चलते हैं 1991 में और बात करते हैं ANS नेट की। ये भी अगेन एक नेटवर्क था जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड थे। अब ये क्यों आया, क्योंकि US गवर्नमेंट को लगा कि NSF नेट भी काफ़ी स्लो हो रहा है जब बहुत सारे यूज़र इसमें इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इंटरनेट को यूज़ करना चाह रहे थे तो NSF नेट भी स्लो होने लगा। ऐसे में तीन डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनीज ने जिसमें IBM, मेरिट और MCI करके तीन कंपनीज थी, इन्होंने आपस में मिलकर एक फाउंडेशन बनाया जिसके थ्रू एक नया नेटवर्क बना जिसको ANS नेट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस नेटवर्क एंड सर्विसेज नेटवर्क। तो ये एक ANS नेट था जिनको इन तीन कंपनीज ने मिलकर बनाया। तो 1991 के बाद ANS नेट आने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रही और भी कई सारे नेटवर्क डेवलप होते गए और वो सारे नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते गए। इस तरीके से धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ता गया। इंटरनेट फिर US से निकलकर बाहर पहुंचा और कई अदर कंट्रीज में भी एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने लगा। इन सारे नेटवर्क्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने डेवलप किया और जिसको इंटरनेट की ज़रूरत थी उस तक इंटरनेट को पहुंचाया। अब हम बात करेंगे आज के इंटरनेट की कि आज आपको इंटरनेट किस तरीके से मिल रहा है। आज का इंटरनेट कई सारे वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में मिलाकर बना है। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड हैं जिसके थ्रू इंटरनेट बना है। आज यदि किसी एंड यूज़र को इंटरनेट की ज़रूरत है तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से अपनी सर्विसेज मांगता है जिसके थ्रू एंड यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है। ऐसे बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेशनल लेवल पर है, रीजनल लेवल पर है, उसके बाद लोकल लेवल पर भी है। तो लोकल लेवल पर जो एक कंप्यूटर है, यदि किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो लोकल सर्विस प्रोवाइडर, रीजनल सर्विस प्रोवाइडर, देन नेशनल सर्विस प्रोवाइडर से होते हुए, वैसे ही ट्रांजिट ISP भी है जिसको ट्रांजिट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बोला जाता है, जो एक कंट्री के नेशनल ISP को दूसरी कंट्री के नेशनल ISP से जोड़ते हैं ताकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट कर पाए। तो इस तरीके से ये डेटा अगेन नेशनल, रीजनल और लोकल ISP से होता हुआ दूसरे कंप्यूटर में पहुँच जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि लोकल, रीजनल, नेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि इंटरनेट की सर्विसेज को एंड यूज़र तक प्रोवाइड करते हैं। ये सारे ही ISP प्राइवेट होते हैं, ये कोई गवर्नमेंट के नहीं हैं। तो आज जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनी WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का नाम आपने ज़रूर ही सुना होगा। और किसी भी वेबसाइट को जब आप इंटरनेट पर ओपन करते हैं तो उसके URL में भी देखा होगा, जैसे कि www.google.com। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, इसका क्या यूज़ है और इसको किसने बनाया था। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। तो इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम where documents and other web resources are identified by uniform resource locator URL. जो भी इंटरनेट पर documents available हैं, यानी कि web pages हैं, और जो भी web resources हैं, यानी कि audio, video, images हैं, उन सारे ही documents and web resources को हम एक URL या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से आइडेंटिफाइड करते हैं। और ये सारे रिसोर्सेज आपस में इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं यूजिंग हाइपरटेक्स्ट एंड आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स या वेब रिसोर्सेज एक दूसरे से लिंक्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि www में आप वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर देख सकते हैं। वेब का मतलब होता है एक तरीके का जाल, तो ऐसा जाल जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है उसी को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अब ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने इंटरनेट हिस्ट्री की बात की थी, तो आपको पता होगा इंटरनेट एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स पर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब आने से पहले डिफरेंट कंप्यूटर्स पर जो इंफॉर्मेशन होती थी उसको हमको डायरेक्टली उसका एड्रेस देकर या उसका लिंक देकर ओपन करना पड़ता था। मान लिया यहाँ पर मेरे पास 5 डिफरेंट पेजेस हैं जो 5 डिफरेंट कंप्यूटर्स पर अवेलेबल। तो पेज 1 को एक्सेस करने के लिए मुझे पेज 1 का पूरा लिंक देना पड़ेगा और वहाँ पर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसके बाद पेज 2 को एक्सेस करने के लिए मुझे अदर लिंक देना पड़ेगा और उसको वहाँ पर जाके मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। सेम तरीके से आप डिफरेंट अदर पेजेस को भी एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब आने के बाद इसने हमें एक फैसिलिटी दी। इसने URL का इन्वेंशन किया, इसको URL को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यहाँ पर अब डिफरेंट पेजेस में हम एक पेज की लिंक दूसरे पेज में दे सकते हैं। तो यदि पेज 1 से मैं लिंक पेज 2 पर क्लिक करूंगा तो मैं पेज 2 को डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊंगा। सिमिलरली लिंक पेज 4 पर जाने पर मैं पेज 4 को एक्सेस कर पाऊंगा। पेज 2 में पेज 3 का लिंक है, पेज 3 में पेज 5 का लिंक है। इस तरीके से ये सारे ही पेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं।
मान लिया इंटरनेट पर कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फैले हैं। जब उन सारे कंप्यूटर्स में यदि इंटरनेट पर इंटरनेट एक्सेसिबल है, उनमें कोई ना कोई वेबसाइट रन हो रही है, तो क्या होगा कि डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होंगे और उसमें डिफरेंट लिंक होंगे जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। तो इस तरीके से ये एक वेब या एक जाल बनता है जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, इसलिए हम इसको वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं या सिंपली हम इसको वेब भी बोलते हैं। यदि मैं अब वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन की बात करूं, तो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज यू टू एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट थ्रू अ नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन URL। तो www या वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट पर जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं एक नेमिंग बेस्ड सिस्टम जिसको हम URL बोलते हैं उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में ये एक HTTP प्रोटोकॉल भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी ने यदि वेब पेज को रिक्वेस्ट किया है तो उसको सेंड कर सकते हैं। तो HTTP को हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसमें आप हाइपर टेक्स्ट को एक कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करते हैं। तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें एक जाल होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स में जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है वो सारे डॉक्यूमेंट URL के थ्रू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से एक वेब या जाल बनता है जिसको ही हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की और जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने। आप उनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब आने से पहले एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हम दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस तो कर पा रहे थे, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमको एक्सेस करना पड़ रही थी। एक पेज दूसरे पेज से इंटरलिंक नहीं था और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में थी। वहां पर कोई भी इमेजेस नहीं थी, ऑडियो वीडियो भी नहीं थे, सारा ही डेटा हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में था। वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में आया। उसके बाद टिम बर्नर्स-ली ने एक वेब ब्राउजर लिखा 1990 में, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज पर काम करता था और जिसमें हम डिफरेंट URLs को एक्सेस कर पा रहे थे और उनको ऐसा लिंक हम क्लिक करते थे तो हम दूसरे पेज को एक्सेस कर पा रहे थे। इन्होंने जो ब्राउजर लिखा वो सबसे पहला ब्राउजर था ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसका नाम इन्होंने दिया वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था और वर्ल्ड वाइड वेब में आप ब्राउज कर सकते थे, एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते थे। अब वर्ल्ड वाइड वेब से कंफ्यूजन ना हो इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब का नाम बदलकर इन्होंने बाद में नेक्सस रखा। जो आप यहां पर कंप्यूटर पर ब्राउजर ओपन देख रहे हैं एक विंडो, ये वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर ही है जो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। तो www को लोग इंटरनेट से कंफ्यूज करते हैं और उसको इंटरनेट मान लेते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक स्मॉल पार्ट है, पूरा इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट कहीं इससे ज्यादा बड़ा है। वर्ल्ड वाइड वेब आने के बाद क्या क्या हासिल हुआ हमें, हम एक पेज से दूसरे पेज में लिंक दे सकते थे, URL का यूज कर सकते थे, डेटा को हाइपर टेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते थे। इसके आने के बाद ब्राउजर्स भी आना स्टार्ट हुए,
धीरे धीरे कई सारे ब्राउजर्स आए और जैसे कि आज हम क्रोम यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, तो ये सारे धीरे धीरे ब्राउजर्स भी आने लगे और हम एक पेज में कई सारी लिंक्स के फॉर्म में इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सारा कुछ देने लगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद ही इंटरनेट बहुत तेजी से बढ़ा। चलिए अब हम बात करेंगे WWW या वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में, ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब यूजर फ्रेंडली होता है, जैसे कि आप ये एक वेबसाइट का पेज देख सकते हैं, ये cbsecsip.in मेरी वेबसाइट का एक पेज है जिसमें मैंने यहाँ पर कई सारी लिंक्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी भी लिंक पर क्लिक कर इस पर्टिकुलर पेज पर टॉपिक पर जा सकते हैं। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आपको URL दिया है, इसको मैंने हाइपर लिंक दी हुई है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पर जा सकते हैं। यहाँ पर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि एक इमेज तो आपको यहाँ दिख रही है, इसमें मैं वीडियो भी एम्बेड कर सकता हूँ, एक लिंक दूंगा वीडियो का तो यूट्यूब की वीडियो भी इसमें इंटरलिंक्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक्स भी रहती है, जैसे कि हमने बात किया ये सारी यहाँ पर हाइपर लिंक्स हैं और ये एक HTML डॉक्यूमेंट है जो कि हाइपर टेक्स्ट पर बना हुआ है, इसको मैंने एक ब्राउजर में ओपन किया है। नेक्स्ट जो इसका एट्रीब्यूट है वो है इंटरेक्टिवनेस। तो यहाँ पर ये बहुत इंटरेक्टिव हमको यूजर के साथ बनाता है, तो ये पेज एक वेब पेज को हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें गूगल फॉर्म है, यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं जिसमें आपको चूज करना है। तो इस तरीके से हाइपर लिंक्स के थ्रू, इनपुट बॉक्सेस के थ्रू या रेडियो बटन्स या फिर अदर तरीके से ड्रॉप डाउन से हम अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ एट्रीब्यूट है फ्रेम्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब आने के बाद ब्राउजर में आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट आपको मोबाइल्स दिख रहे हैं, डिफरेंट मोबाइल्स पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप किसी भी मोबाइल पर क्लिक कर उसके वेब पेज पर जा सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब आने के बाद हम डिफरेंट फ्रेम्स में अब अपने वेब पेज को डिवाइड कर सकते थे और डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे सकते थे। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो 6 डिफरेंट फ्रेम्स होंगे और 6 फ्रेम पर 6 डिफरेंट लिंक्स दी हुई हैं और 6 मोबाइल्स की इमेजेस लगी हैं। इस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड वेब के सारे एट्रीब्यूट्स से जिसके आने से ये बहुत ही इंटरेक्टिव बना दिया इसने इंटरनेट को और यूज़र इसको आसानी से अब यूज़ कर पा रहे थे। इसके आने के बाद इंटरनेट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा और जनरल पर्पस के लिए काफ़ी यूज़ हो।